हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये अद्वी की मौसी ने अद्वी को प्री बर्थडे गिफ्ट भेजा है। अद्वी का बर्थडे है 25 अप्रैल को, तो उसकी तैयारियां थोड़ी थोड़ी शुरू हो चुकी हैं। तो ये अद्वी का बर्थडे गिफ्ट था, तो अद्वी ने आज ही खोल दिया। हालांकि मैं बाद में दिखाने वाली थी और उसने खोल दिया, तो मैंने कहा चलो दिखा देते हैं। तो ये पजल हैं, 6 पजल हैं, 6 इन 1 पजल हैं। ये देखिए, ऐसे से मैं आपको दिखा रही हूँ कि ऐसे पजल्स हैं, इनको आपको जोड़ना है। तो बस बच्चे के साथ आप बच्चों को एंगेज करके रख सकते हो, नहीं तो आप जानते हो समर वेकेशन स्टार्ट होने वाले हैं और बच्चे तो बस इन्हीं सब में मोबाइल में उलझे रहते हैं। तो बस यहाँ पे बच्चा पुच्चू खेल चुका था, तो बस उसको मैं समेट के रख रही थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कुछ कपड़े जो धुले थे वो भी सूख गए थे, उनको भी रखना था। और ये जो बैग मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये इन्हीं पजल के साथ मिला था, तो मैं इसी बैग में अद्वी के सारे पजल्स और इस बॉक्स में डाल के रख दूँगी, जिससे कि बाद में खेलने में आसानी हो, क्योंकि छोटे छोटे पीस हैं बाद में गायब हो जाएंगे। तो बस मैं वही कर रही थी और ये काम निपटा के मैं मिलती हूँ सीधे आपसे। आज मुझे आप लोगों से कुछ अच्छी अच्छी बातें करनी है, जो आपके लिए भी हेल्पफुल होंगी और मेरे लिए भी। वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज है 20 अप्रैल। जी आज 20 अप्रैल है। और ये जो मैं आज वीडियो बना रही हूँ, ये कोशिश होगी कि आज शाम तक ही चला जाए, क्योंकि मैंने बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाया है। बेसिकली आज मुझे आप लोगों से कुछ बातें करनी थी, कुछ अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी थी और मुझे उनके क्या सोल्यूशन मिले हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करने थे, जिससे कि जितनी भी प्रेगनेंट लेडीज होंगी मेरी तरह, उन्हें काफ़ी हेल्प होगी। तो फ्रेंड्स, जब हमारी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, मतलब जब थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है या स्टार्ट होने वाला होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर के लास्ट तक आते आते कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जो लगभग सभी महिलाओं को होने ही लगती है प्रेगनेंसी में, जैसे कि पैरों में दर्द और सूजन, रात को नींद ना आना और कमर दर्द, पीठ दर्द, ये सब चीज़ें लगी रहती हैं। तो कई बार तो थोड़ा बहुत होता है तो चलो एडजस्ट हो जाता है, लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में हम सबको पता है कि हम कोई पेन किलर नहीं ले सकते हैं और ना ही दर्द में कोई प्रॉपर मसाज भी करवा सकते हैं, कि हाँ जैसे नॉर्मल दर्द होता है बिफोर, मतलब विदाउट प्रेगनेंसी, तो हम मसाज करवा सकते हैं अच्छे से, पर प्रेगनेंसी में ये भी पॉसिबल नहीं हो पाता। तो छोटे छोटे सोल्यूशन हैं मेरे पास, आई होप उससे आप लोगों की मदद होगी, क्योंकि इन सारी चीज़ों ने मेरी मदद की है। तो सबसे पहले बात करते हैं पैरों में दर्द और सूजन की। देखिए, मेरे भी प्रेगनेंसी में पैरों में दर्द और सूजन है, लेकिन कुछ चीज़ें जो मैंने अपनाई हैं जिसकी वजह से मेरी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हुई है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, पैरों में जब दर्द और सूजन हो, देखिए हो चाहे ना हो, ये चीज़ें आपको करनी ही करनी है। पहली चीज़ तो आपको ये करनी है, कभी भी अपने पैरों को लटकाकर नहीं बैठना है, चाहे आपकी प्रेगनेंसी का कोई भी महीना क्यों ना चल रहा हो, चाहे आपका स्टार्टिंग के हों चाहे लास्ट के हों, आपको पैरों को लटकाकर नहीं बैठना है। जब भी आप सोफे, कुर्सी, कहीं पर बैठिए, तो पैरों को अपने किसी स्टूल पर जरूर रख लीजिए, मेज पर रख लीजिए, कुछ ना कुछ पैरों को ऊँचाई पर, सिधाई पर रखिए, पैरों को लटकाकर ना बैठिए। लंबे समय तक पैरों को लटकाकर बैठने से पैरों में दर्द भी बढ़ जाता है और सूजन भी बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ ये आप कर सकते हैं, कई बार जब पैरों में दर्द बहुत ज़्यादा होता है तो लोग कहते हैं कि मतलब एक बाल्टी में गर्म गुनगुना पानी लेकर और उसमें नमक डाल के बैठ जाइए तो उससे आराम मिल जाता है, बेशक आराम मिलता है, लेकिन अगेन उसके लिए हमें पैरों को हैंग करके बैठना पड़ेगा, पैरों को लटका के बैठना पड़ेगा, बाल्टी में डालकर बैठना पड़ेगा, तो उससे उतना ज़्यादा रिलीफ नहीं लगता है। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि हमारे शरीर का जो पोस्चर होता है वो चेंज हो जाता है, ऐसे में जब पैर लटका कर बैठते हैं तो हमारी पूरी बॉडी को रिलीफ नहीं मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है, आपको नहीं लग रहा है कि बहुत पेन हो रहा है, क्या करें, तो आप गुनगुने पानी में हल्का सा नमक डालिए और उसमें एक टॉवेल को डिप कीजिए और उसको अच्छे से स्क्वीज करके अपने दोनों पैरों में लपेट लीजिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये फार्मूला आप अपना कर देखिए, इससे आपको इतना ज़्यादा राहत मिलेगा। हाँ, दोपहर के समय ये काम मत कीजिए, क्योंकि इस समय जैसे समर चल रहा है, समर में गर्म पानी अगर आप पैरों में लपेटेंगे, मतलब गर्म पानी में डूबा हुआ तौलिया पैरों में लपेटेंगे, तो गर्मी भी लग सकती है। तो आप मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग ये काम आप कर सकते हैं, या सोने से पहले भी आप ये काम कर सकते हैं, इससे भी आपको काफ़ी रिलीफ होगी। दूसरी चीज़ ये कर सकते हैं कि आप अपने पैरों में मसाज खुद से कर सकते हैं, खासतौर पे पैरों के जो तलवे होते हैं उस पर हल्के हाथों से मसाज कर सकते हैं। मैं खुद से कर लेती हूँ कभी कभी, जिससे मुझे काफ़ी आराम मिलता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैं कैसे करती हूँ, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूँगी। तो इससे, इन सब चीज़ों को करने से आपके पैरों के दर्द में काफ़ी आराम मिलेगा, और अपना कर देखिए। बहुत छोटे छोटे टिप्स हैं पर बहुत ही काम के टिप्स हैं। दूसरी चीज़ जो बात करते हैं बैक पेन की और
कमर दर्द की, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि जब भी आप बैठो तो अपने पीछे एक पिलो लगा कर बैठो और थोड़ा सा पोस्चर को पीछे करके बैठो। मतलब इससे क्या होगा ना कि इस समय प्रेगनेंसी में क्या होता है, जब हमारा पेट बढ़ रहा होता है तो हमारा जो शरीर का भार है वो आगे की तरफ आ जाता है। अब ऐसे में अगर हम स्ट्रेट बैठते हैं या आगे की ओर झुक कर बैठते हैं तो उससे हमारी पीठ पर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है जिसकी वजह से पेन होने लगता है। आप पीठ पे हमेशा पीछे बैक पे अपने एक सॉफ्ट सी तकिया लगा लीजिए, उसके बाद बैठिए। इससे क्या होगा कि आपका कुछ पोस्चर होगा वो नॉर्मल रहेगा और आपके बैक में पेन नहीं होगा, कमर में दर्द नहीं होगा। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो होती है रात में नींद नहीं आती। अद्विक के टाइम पर तो मेरे साथ ऐसा हो रहा था, पूरी पूरी रात में सो नहीं पाती थी। अगेन इस टाइम पर भी ऐसा हो रहा है। तो इस नींद ना आने के दो रीज़न होते हैं। पहला रीज़न होता है, एक तो हमारा जो स्लीपिंग पैटर्न होता है वो काफ़ी चेंज हो जाता है। मतलब पहले हम कैसे भी सो जाते थे, अब क्या है डिस्कम्फर्ट होता है बढ़ते हुए वजन और बढ़ते हुए पेट की वजह से। और दूसरा डिस्कम्फर्ट होता है कि हीट, हमारी बॉडी में इतनी गर्मी हो जाती है, हमें इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, खास तो जब गर्मियों का ही मौसम होता है तो आप सो नहीं पाते हो। तो इसके लिए पहली चीज़ जो आपको करना है, पोस्चर ठीक करना है। पोस्चर ठीक करने में आपकी मदद कर सकते हैं आपके तकिए। आप अपने सर के नीचे तकिया रखिए, साथ ही पैर के नीचे तकिया रखिए। सीधा नहीं लेटना है, आपको करवट लेके लेटना है, पर ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ बाई करवट लेटना है, क्योंकि डॉक्टर सब इधर बाई करवट लेटने के लिए बोलते हैं। आप खाना खा के जब लेटते हो तो बाई करवट लेट जाओ और कुछ देर के बाद तकिए, आपको करवट लेके सोना है और बाई करवट और दाई करवट आपको चेंज करते रहना है। जब आप करवट लेके सोइए तो आप अपने दोनों पैरों के बीच में पिलो लगा सकते हो। प्रेगनेंसी में स्लीपिंग पिलो भी मिलते हैं, अगर आपको लगता है कि उन्हें आप ले सकते हो ले लीजिए, नहीं तो नॉर्मल जो पिलो होते हैं उनको भी आप अपने दोनों पैरों के बीच में रख सकते हैं। अपने पेट के पास हल्का सा छोटा सा पिलो रख सकते हैं, इससे कि आपको सपोर्ट होगा। पैरों के नीचे पिलो जरूर रखिए, इससे भी आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा और आपका जो पोस्चर होगा वो ठीक रहेगा और आपको नींद आएगी। अब दूसरी बात करते हैं जो हीट से रिलेटेड होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, जैसे गर्मियों का सीज़न है तो सोने से पहले मैं अपने हाथ पैर को अच्छे से धुल लेती हूँ थोड़ा सा ठंडा पानी, मतलब ये नहीं कि एकदम चिल्ड वाटर, नॉर्मल जो ठंडा पानी होता है उस ठंडे पानी से आपको अपने हाथ पैरों को, पूरे पैर को ऊपर से लेकर नीचे तक पैर को और हाथ को अच्छे से धुलना है, अपने चेहरे को धुलना है, ठंडे पानी के छींटे मारने हैं, उसके बाद आपको सो जाना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो बॉडी की जो गर्माहट होगी वो काफ़ी हद तक कम होगी, और जब आप ठंडे उसमें आओगे, ठंडे पानी से हाथ पैर धुल के जब पंखे के नीचे आओगे, कूलर के नीचे आओगे, तो आपको खुद अच्छा लगेगा और आपको नींद भी टराएगी। ये छोटे छोटे टिप्स थे जो मैंने आजमाए हैं, जो मुझे फ़ायदा किए हैं। आई होप आपको भी इससे फ़ायदा होगा, और अगर ये वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल लगा हो लाइक जरूर कीजिएगा। इसके साथ साथ अपने खान पान में भी चीज़ें मतलब संतुलित रखिए। गर्मियों का सीज़न जैसे इस टाइम का जो मौसम है उस टाइम पे आप ऑयली चीज़ें मत लीजिए, मतलब ज़्यादा ऑयली ना खाइए, बाहर का तो बिल्कुल ही मत खाइए, क्योंकि अब ये लास्ट जब ट्राइवेस्टर चलता है तो हम कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं। बाहर का खाना बिल्कुल मत खाइए, पानी ढेर सारा पीजिए, जूस आप पी सकते हो, जूस आप पीजिए, दही जरूर खाइए, छाछ खाइए, छाछ पीजिए, अगर आपके यहाँ आपकी लोकेलिटी में आसपास मिल रहा हो तो नारियल पानी जरूर पीजिए। हम जहाँ रहते हैं, मतलब मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर नारियल पानी बहुत दूर मिलता है, मतलब काफ़ी दूर से लाना पड़ेगा, मेरे लिए इतना कन्वीनियंट नहीं है कि नारियल पानी रोज़ रोज़ मैं ले सकूँ, तो उसकी जगह कोई ना कोई जूस, जैसे गन्ने का जूस हम मेरे को मिल जाता है तो गन्ने का जूस हम पी लेते हैं। तो जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, ऐसा नहीं है नारियल पानी नहीं है तो हम अब क्या पिए, गन्ने का जूस मिल रहा है, मौसमी का जूस मिल रहा है, अनार का जूस मिल रहा है, वो आप खा पी सकते हो, घर पे सिकंजी आप बना सकते हो। तो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हो जिससे कि आपके शरीर में डिहाइड्रेशन नहीं होगा और आपकी जो शरीर है वो अंदर से कूल रहेगी, तो आपको बाहर से भी अच्छा लगेगा। बहुत छोटे छोटे बट काम के टिप्स थे, एक बार आप अपना कर देखिए। और ये सारी जो दिक्कतें होती हैं ये बहुत दिन तक नहीं चलती, आफ्टर डिलीवरी सब छूमंतर हो जाएंगी, सब गायब हो जाएंगी। तो बस अपने एक्सपीरियंस से मैंने जो सीखा वो मैं आप लोग को बता रही हूँ। आई होप आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। और अब मैं आप लोगों से ये बोलूँगी कि आप लोग प्लीज़ मुझे भी अपने कमेंट के जरिए बताइए कि आप लोग क्या फॉलो करते हो, कैसे करते हो, ताकि मेरी भी हेल्प हो सके, क्योंकि हम सब कुछ ना कुछ अपने एक्सपीरियंस से नया नया सीखते ही रहते हैं। तो आप भी अपना कमेंट कीजिए मुझे और बताइए। और ये वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ, और कोशिश होगी कि अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, और कोशिश होगी कि वीडियो आप लोग को मिल जाएगा शाम को 5-6 बजे तक, अगर मैं एडिट कर पाई तो, नहीं तो कल तो पक्का मिल जाएगा, वैसे आज ही मिल जाएगा, मैं आज ही डाल दूँगी। तो अगर वीडियो जरा से भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।